जो उसने बाइक की है, और शुगर की इसी तरह से 150 है, और वाटर की 80 है। फ्लोर जो है वो 1555 है। बिस्किट्स की 550 है, चिप्स की इसी तरह 450 है। तो उसके पास जो टोटल बिल बनेगा वो 4610 है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज़ द टोटल टोटल ऑफ ऑल आइटम्स। टोटल आइटम्स जो होंगे वो हमारे पास 7 हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास टोटल हुए हैं वो 4610 हमारे पास इसकी प्राइस आई है। आप 7 के साथ लिखेंगे, 7 के साथ लिखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, आपने 7 की बजाय यहाँ पर 4610 लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, विल यू गेट एनी चेंज आफ्टर यू बाउट ऑल द ग्रॉसरी, इफ सो हाउ मच चेंज यू विल रिसीव। आपने 12,550 रुपीज़ उसे दिए हैं, आपने इसे सारी सारा उससे बिल बन उसने आपको बिल बना कर दिया है 4610। आपको इसमें से चेक रिसीव होगा, चेक नहीं सॉरी, जो प्राइस अगेन से जो हमें चेंज मिलेगा वो हमें मिलेगा 7940 रुपीज़। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 8 थी। अब चलते हैं हम एक्टिविटी नंबर 6 पर, एक्टिविटी नंबर 9 पर। एक्टिविटी नंबर 9 में आपको कह रहे हैं कि एक असर्वे फाउंड आउट देयर वर 3215 मैन, 23540 वुमेन एंड 12546 चिल्ड्रन इन अ टाउन, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि एक सर्वे किया गया है एक कस्बे में 32,150 आदमी और 23,540 खवातीन हैं और 12,540 बच्चे हैं। तो आबादी कितनी होगी, आपने सबको क्या कर देना है, सम अप कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब आप इनको सम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन आएगी वो 68,236 आ जाएगी। उसके बाद है मारुख हैज़ 8,500 रुपीज़ एंड शी डिपॉजिट्स एंड अदर 12,500 एंड देन शी विदड्रॉ 42,500 एंड हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन बैंक अकाउंट। वो कह रहे हैं कि मारुख के पास 87,500 रुपये हैं, उसने अगेन से 12,500 उसने डिपॉजिट कराए हैं और उसमें से फिर उसने 42,500 विदड्रॉ कराए हैं। आपने क्या करना है, ऊपर वाली दो टर्म्स जो हमें दी गई हैं इनको पहले ऐड कर देना है। ये ऐड हो जाएंगी तो हमें जो आंस मिलेगा उसमें से आपने 42,500 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो आंस आएगा वो 57,500 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रेन कवर्स 5,456 किलोमीटर्स इन फर्स्ट मंथ एंड 28,085 किलोमीटर्स इन सेकंड मंथ, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस इट कवर इन 2 मंथ। वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो 54,150 किलोमीटर एक मंथ में तय करती है और 28,085 किलोमीटर दूसरे मंथ में जो डिस्टेंस कवर करती है। तो वो कह रहे हैं टोटल डिस्कस इन 2 मंथ्स, तो दोनों डिस्टेंस को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर है नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी नंबर 10, यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर्स को। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपने सबसे पहली टर्म उठानी है 3 को, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, और 3 को फिर आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 × 3 = 18 और 1 कैरी, 1 अगले नेक्स्ट को कैरी दे देना है, 3 × 3 और ऊपर वाला 4। इसी तरह से जब हम दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम एक टर्म, पहली जो टर्म होगी उसके नीचे उसे छोड़ देंगे, यानी हम उसे क्रॉस कर देंगे। अब 2 बचेगा, 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, 2 × 2, फिर 2 × 6 = 12, 1 कैरी, 2 × 2 और फिर 1 × 3, 2 × 3 = 2, ये हमारे पास सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन है। फिर आपने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3703। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस होंगे, आपने अपने समर टास्क पर इसे करना है। आपकी मैथ्स का समर टास्क आज कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।